आज रंग पंचमी के मौके पर भगवान सूर्य ने खेली भक्तों से होली। मध्य प्रदेश के दतिया जिला मुख्यालय से तकरीबन 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कस्बा उन्नाव सूर्य भगवान के अति प्राचीन मंदिर बालाजी में भक्तों ने वर्षों से चली आ रही परंपरा का निर्वहन करते हुए आज रंग पंचमी के दिन जमकर होली खेली। यहां यह उल्लेखनीय है कि कस्बा उन्नाव स्थित भगवान भुवन भास्कर सूर्य को बालाजी भी कहा जाता है। इस मंदिर की खास विशेषता यह है कि शरीर में किसी भी प्रकार का चर्म रोग होने पर मंदिर के नजदीक नदी में स्नान करने के बाद सूर्य भगवान को गीले वस्त्रों में जल अर्पित किया जाता है तो चर्म रोगों से मुक्ति मिलती है। रंग पंचमी के दिन भगवान सूर्य को टेसों के फूलों से निकाले गए रस के द्वारा बनाए गए रंगों से होली खेली जाती है। उन्नाव बालाजी सूर्य मंदिर में अबीर और गुलाल के अलावा बाजार से खरीदे गए किसी भी केमिकल युक्त रंग का प्रयोग नहीं किया जाता। सूर्य मंदिर उन्नाव बालाजी में स्थानीय भक्तों के अलावा दूर दराज से आए सूर्य भक्तों ने जमकर होली खेली। इस मौके पर चारों तरफ पुलिस का कड़ा पहरा रहा। बालाजी राम सूर्य मंदिर पर बरसों पुरानी परंपरा के अनुसार मनाया जा रहा है। राजाओं के समय में गोविंद सिंह जो दतिया नरेश थे उनके समय में वो आया करते थे हाथी से और भगवान के यहाँ रंग पंचमी मनाते थे। रंग गुलाल का जो है होली खेली जाती थी। आज भी वो परंपरा अनुसार चल रही है। वर्तमान में भी पहले से और आज तक टेसू के फूलों द्वारा बनाए गए रंग से भगवान का जो है रंग खेला जाता है। गुलाल और अबीर के द्वारा भी उनके ऊपर जो है चढ़ाया जाता है। इसके साथ ही यहाँ रंग पंचमी का मेला संपन्न होता है। वर्षों पुरानी परंपरा के अनुसार चल रहा है। आज भी बालाजी महाराज के समस्त पुजारी और उसी अनुसार अपने जो है कार्य करते हैं और भगवान की जो है साथ रंग गुलाल के साथ होली खेलते हैं। ऐसा सुना जाता है कि यहाँ देवी देवता इस दिन होली खेलते हैं। हाँ, जो होली जो जैसे वृंदावन में या मथुरा में तो वहाँ तो 40 दिन पहले बसंत पंचमी के वो उसके बाद से ही होली खेली जाती थी। और जब जिस दिन से जो है यहाँ होली का जो है वो लगा दाग उसके 5वें दिन श्री बालाजी महाराज के मंदिर पर रंग पंचमी का पर्व मनाया जाता है। जी सर, जैसा कि आपको विदित है कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी बालाजी धाम जो उन्नाव में है नदी किनारे स्थित है उनको सूर्य मंदिर भी कहते हैं वहां पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी लोग होली बड़े हर्षोल्लास से मना रहे हैं। और यहां परंपरा है कि यहां पलाश के फूलों का जो रंग बनाते हैं कलर बनाते हैं उससे आज के दिन होली खेली जाती है। आज भी वहां सारे भक्तगढ़ होली के रंग में हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। पुलिस की व्यवस्था के रूप में हमने वहां एक डीएसपी साहबान को और एसडीपी साहबान को स्टे किया हुआ है जो पूरी व्यवस्था देख रहे हैं। नदी किनारे भी हम लोगों ने व्यवस्था की है क्योंकि कई लोग नदी में स्नान करते हैं। हालांकि पानी कम है फिर भी हम लोगों ने होमगार्ड्स की वहां बोर्ड को लगाया है और नदी किनारे भी अपने पॉइंट्स लगाए हैं और शहर में अभी भी हर्षोल्लास के साथ जो होली है वो मनाई जा रही है। सर, रंग पंचमी की आज दिन आप क्या संदेश देना चाहेंगे? यही है कि होली का त्यौहार है, बड़े प्रेम से रंग गुलालों का त्यौहार है, बड़े हर्षोल्लास के साथ इसको मनाए। आमजन से यही अनुरोध है और इसमें कोई विध्वंस न फैलाए और हम लोगों ने व्यवस्था को भी चरचौबंद कर रखा है। अगर कोई भी असामाजिक तत्व इसको नुकसान करता है तो उसकी भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अपील यही है कि त्यौहार को रंगों का त्यौहार है, हर्षोल्लास के साथ मनाए। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।